अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस क्या हाल है। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे Xiaomi Redmi K40 Pro Plus की अनबॉक्सिंग हमने इसी चैनल पर कर दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डिवाइस होने वाला, लेकिन अब हम स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, क्या प्राइस हमें पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिलेगी एंड कब तक हमें ये वाली डिवाइस देखने के लिए मिल सकती है पाकिस्तान के अंदर। सो गाइस इस वाली डिवाइस के अंदर हमें एक सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ, HDR10+ की स्पोर्ट, 6.67 इंच बड़ा डिस्प्ले होने वाला है, 85.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, और यहाँ पर हमें गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल जाएगी। अगर हम बात करें तो Xiaomi Redmi K40 Pro के अंदर भी हमें सुपर एमोलेड का ही डिस्प्ले देखने के लिए मिला, और Xiaomi Redmi K40 के अंदर भी हमें सुपर एमोलेड का डिस्प्ले देखने के लिए मिला। डिस्प्ले आपको सेम ही देखने के लिए मिलेंगे, बट इस बार इस वाले फोन के अंदर एक तगड़ा प्रोसेसर देखने के लिए मिलेगा, जैस कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 का एक पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिल जाए। 5G होने वाला है, 5 नैनोमीटर पर बेस्ड, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा प्रोसेसर होने वाला है। गेमिंग के मामले में ये वाली डिवाइस काफ़ी ज़्यादा बेस्ट होने वाली है। अगर हम Xiaomi Redmi K40 Pro की बात करें तो यहाँ पर हमें जो प्रोसेसर देखने के लिए मिला, में हमें कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 888 वाला प्रोसेसर देखने के लिए मिला, बट को F3 Pro की सूरत में देखने के लिए मिल जाता है। बट अगर हम बात करें तो यहाँ पर Xiaomi Redmi K40 Pro Plus काफ़ी ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। ये Redmi K40 Pro Plus हो सकता है या Poco F3 Pro Plus 5G जैस इस सूरत में आ सकता है। सो गाइस इस वाले फ़ोन के अंदर जो हमें रैम वेरिएंट देखने के लिए मिल जाएंगे 12GB 256GB UFS 3.1 LPDDR5 की रैम देखने के लिए मिलेगी। सो गाइस अगर हम कैमराज की बात कर लें तो यहाँ पर हमें इस वाले फ़ोन के अंदर बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें हमें मेन कैमरा 108MP का देखने के लिए मिलेगा, सोनी का सेंसर IMX686 का देखने के लिए मिलेगा, जैस 8 का यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंड 5 का मैक्रो देखने मिल जाता है। काफ़ी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमें सोनी का सेंसर देखने मिल जाता है। लाइट में भी पिक लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा तगड़ी क्वालिटी देगी, क्योंकि 8K की वीडियो 30fps एंड 4K की 30fps में तगड़ी परफॉर्मेंस देने वाली है। फ्रंट पर 20MP की सेल्फी देखने के लिए मिल जाएगी। स्टीरियो स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे हमें, और यहाँ पर USB टाइप सी देखने के लिए। फिंगरप्रिंट की बात करें तो साइड माउंटेड ही देखने के लिए मिलेगा, क्यूमुलेटिव डिस्प्ले है, बट Xiaomi वालों ने अंडर डिस्प्ले नहीं दिया हमें फिंगरप्रिंट स्कैनर, हमें साइड माउंटेड ही देखने के लिए मिलेगा। अगर हम बैटरी की बात करें तो यहाँ पर हमें 4520mAh की बैटरी देखने के मिलेगी, साथ में 33W की फास्ट चार्जिंग, और यही भी कहा जा रहा है कि 52 मिनट्स के अंदर 100%। सो गाइस कमाल की डिवाइस होने वाली है। अगर हम डिजाइन की बात करते चले तो तीनों फोन यानी कि Redmi K40, K40 Pro एंड K40 Pro Plus सेम डिजाइन होने वाला है। ये वाला फोन 7.8mm की थिकनेस पर आता है, 196g फोन का वेट होने वाला है। यस फोन हमें स्लिम सा देखने के लिए मिलेगा, बट वेट हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। Android 11 MIUI 12 देखने के लिए मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, बट इसके आने के चांसेस थोड़े से लेट ही हैं, 2 से 3 माह तो लगेगा। डिवाइस काफी ज्यादा तगड़ी होने वाली है Redmi की ये वाली, बट अगर हम बात करें तो ये हमें Poco F3 Pro Plus की सूरत में भी देखने के लिए मिल सकता है, या फिर Xiaomi Redmi K40 Pro Plus की सूरत में देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज अगर हम प्राइस की बात करें तो इस वाले फोन की जो प्राइस हमें देखने के लिए मिलेगी, जो लीक्स के थ्रू निकल कर सामने आई है, 60 से 70 हज़ार की रेंज में ये वाला फोन हमें पाकिस्तान के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइज काफ़ी ज़्यादा तगड़ी डिवाइस होने वाली है, यहाँ पर हमें प्रोसेसर भी मैसिव देखने के लिए मिल रहा है, 888 का लेटेस्ट 5G जो 5 नैनोमीटर पर बेस है। कैमरा भी इस बार काफ़ी ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं। सो गाइज ये वाली डिवाइस अगर लॉन्च होती है तो एक बिग धमाका होगा, किल करके रख देगी ऑल ब्रांड किट के अंदर। सो गाइस आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, हमारी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर, अगर चैनल बने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके अल्लाह हाफिज़।